हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो चलिए, जो कल हमने छोड़ के रखा था उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। जो कल हमने छोड़ के रखा था क्लास 11th का, वाह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक था, वाह, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से कुछ टॉपिक था। तो चलिए, उसमें जो हमने कुछ एग्जांपल बताए थे पिछला क्लास में, वह लगभग दो एग्जांपल को हमने डिस्क्राइब किया था, और आज हम उसका और एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। तो जो बस शॉर्ट फॉर्मूला में हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, तो उसको समझिए, देखिए, और वीडियो को ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को भी दूसरे लिंक के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और बच्चे देख सकें, इसे समझ सकें। तो चलिए, जो आज का एग्जाम्पल होगा, तो पहले हम कल ही वाला एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो कल का जो एग्जाम्पल था वो कुछ इस प्रकार से था। यदि हम इसका CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो CH4 का निकालने के लिए सबसे पहले इसका हमको क्या करना पड़ेगा, हमने बताए थे कल, तो इसका जो निक बताए थे ना, तो इसका जो सबसे पहला हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। तो कार्बन चार के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो इसमें जो है वह एक सिग्मा है, दो सिग्मा है, तीन सिग्मा और चार सिग्मा। हमने बताया था कि जो जितना भी बॉन्ड एक दूसरे के साथ सिंगल के साथ जुड़ा रहेगा वह सिग्मा के नाम से जानते हैं, पर यदि एक बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा रहेगा, दो बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई रहेगा, तीन बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा पाई, इसमें पाई की सबको हम पाई को नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है वह होता है नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, समझा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह यही होता है, जिसके कारण पाई बॉन्ड को हम नहीं लेते हैं। जैसे मेरा सिग्मा कितना, तो हो जाएगा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वह हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3 4, और लोन पेयर है नहीं है, 0 4 हो जाएगा। और जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वह होगा sp3। यदि हम फिर इसका और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से पढ़िए, समझिए, देखिए और भूलिए, क्योंकि हर मनुष्य का नेचर होता है कि जो पढ़ता है उसे भूलना अवश्य पड़ता है, और बार बार हम यदि रिपीट करते रहेंगे तो नहीं भूलते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल को देखते हैं, कल वाला एग्जांपल को हम रिपीट कर रहे हैं ताकि फिर से आज शॉर्ट तरीके से समझे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक नंबर में हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। तो इस कार्बन का यदि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो इसका यदि हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे तो सबसे पहले इसका बॉन्ड को गिनते हैं, इसका बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3 4, यदि हम इसका भी गिनते हैं 1 2 3 और इसके साथ 4, तो इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो होगा 4 + 0 = 4। तो यदि इसका हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इसका यदि हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो हो जाएगा sp3। हमने बता भी दिया था कल की कल हमने बताया था कि यदि दो रहेगा यहाँ पर तो हो जाएगा sp, यदि तीन रहेगा तो sp2 होगा, और यदि चार रहेगा तो sp3 होगा। ये बताता है हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो करता है, और ये हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। तो चलिए, इसको हम भी साफ कर रहे हैं। उसके बाद में यदि हम इस कार्बन का देखेंगे तो इस कार्बन का हम यहाँ पर आगे बनाते हैं, इसका हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसमें से लोन पेयर कहीं दिख रहा है, इसके ऊपर नहीं दिख रहा है, अन्य क्या दिख रहा है, सिग्मा दिख रहा है। तो सिग्मा कितना, 4 + 0 = 4। तो इसका यदि हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे हो जाएगा sp3। उसके बाद फिर हम अगला एग्जांपल देखते हैं, अगर डबल बॉन्ड वाला लेते हैं कुछ अलग, नहीं पहले तीन कार्बन तक देख लेते हैं उसके बाद आगे लेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। चलिए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए पहले।
इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यदि हम इस कार्बन का देखेंगे तो इसका हमने पहले बता दिया इधर का जो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा चार, क्योंकि एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा चार का sp3। यदि हम इस कार्बन का भी देखेंगे तो वही होगा, इसका भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर चार और हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हो जाएगा sp3। और इस कार्बन का भी वही होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर क्या होगा चार और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp3। उसके बाद हम अगला एग्जांपल को देखते हैं। वीडियो को पॉज करके बनाइए, देखिए, समझिए। अब डबल बॉन्ड वाला लेते हैं, एक को CH2। इसका पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। बस जितना हाइब्रिडाइजेशन में इस समय कुछ भी नहीं है, बस आराम से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को समझिए, आराम से देखिए और आराम से बनाइए। तो इसका हम यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले CH, इसमें H दो ही H होगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक H इसके साथ है। अब इसमें देखिए, गिनिए, क्या गिनिए, काउंटिंग कीजिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, पाई, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। तो इसमें मैंने बता दिया कि जो पाई को हमने क्या करते हैं, पाई को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसका यदि हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका जगह हाइब्रिड और बैटल जो होगा वह होगा नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो जाएगा, एक दो तीन प्लस जीरो बराबर तीन। यदि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे एच, हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो हो जाएगा sp2। यदि हम इस कार्बन का भी देखेंगे, इस कार्बन का, तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका जो हाइब्रिड और बैटल होगा वह हाइब्रिड और बैटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो जो नंबर ऑफ लोन पेयर होगा सिग्मा होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बराबर तीन प्लस लोन पेयर जीरो बराबर तीन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका हो जाएगा sp2। समझिए, देखिए, आराम से पढ़िए। उसके बाद में हम कुछ लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड का यदि हम इसका लेंगे तो पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसमें हो जाएगा मेरा पाई होगा, सिग्मा होगा, पाई होगा, सिग्मा, सिग्मा। तो इसके साथ यदि हम इसका हाइब्रिड और बैटल को देखेंगे, हाइब्रिड और बैटल बराबर कितना होगा नंबर ऑफ सिग्मा, तो नंबर ऑफ सिग्मा कितना है, एक दो, दो होगा और लोन पाई कितना है जीरो, तो हो जाएगा दो। यदि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हो जाएगा sp। यदि हम इस कार्बन का भी देखेंगे तो वही होगा मेरा हाइब्रिडाइजेशन, हो जाएगा sp। चलिए बहुत लंबा चैन वाला लेते हैं एक। CH3 पहले इसका यदि हम हाइब्रिड निकालेंगे तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है तो तीन सिग्मा होगा और एक इसके साथ, तो हो जाएगा हाइब्रिड और बैटल बराबर फोर। तो हाइब्रिडाइजेशन यदि इसका देखेंगे हो जाएगा sp3। यदि इस कार्बन का हम देखेंगे तो इसका एक इसमें पाई है और एक सिग्मा है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक इसके साथ है, तो इसका जो होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल वह होगा थ्री, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके पास है तो एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर और एक सिग्मा इसके साथ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह हो जाएगा sp2। इसके बाद में फिर यदि हम इस कार्बन का देखेंगे तो इस कार्बन का भी हो जाएगा मेरा वही जाएगा जो इसके साथ है,
क्योंकि इधर भी एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड है, तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। इसका भी होगा, इसमें दो हाइड्रोजन होगा, इसका हो जाएगा sp3, क्योंकि इसमें एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, और एक हाइड्रोजन इधर होगा, तो एक हाइड्रोजन इधर होगा, तो एक सिग्मा इसका और एक सिग्मा इसका, sp3। चलिए कुछ साइकिलों में देख लेते हैं। यदि हमको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो अब कैसे हम देखेंगे इसका? तो चलिए, यदि हम इस तरह नहीं देख पाएंगे तो इसका हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। हमने स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए आपको सिखा भी दिया था, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हमने स्ट्रक्चर को आपको ड्रा करने के लिए सिखा भी दिया था। तो आप देखिए कि इसमें यदि हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पर मिटाते हैं और जो एक हाइड्रोजन यहाँ लिखते हैं, एक हाइड्रोजन यदि हम यहाँ लिखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पर भी एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक सिग्मा और यहाँ पर भी एक सिग्मा। तो ये जितना भी सारा इसमें कार्बन है, तो इसका जो नंबर ऑफ हाइब्रिड और बैटल हो जाएगा और 4+0 होगा यानी 4 होगा, और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, डबल बॉन्ड का। कुछ कंपाउंड इस तरह है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसमें सीधा हम एक कार्बन को घसका देंगे, दोनों में से एक एक कार्बन को दोनों में घसका देंगे। अब देखिए कैसे इसका हम फिगर को ड्रा करते हैं। तो इसमें एक हो जाएगा पाई, एक हो जाएगा सिग्मा, इसमें भी एक सिग्मा, इसके साथ भी एक सिग्मा, दो हाइड्रोजन इसके साथ, तो हो जाएगा 1 2 3, यानी कि जो इसका हाइब्रिड और बैटल होगा एक सिग्मा। यदि हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसे हम एक सिग्मा के नाम से जानते हैं। तो इसके साथ एक सिग्मा हो गया, इसके साथ तो एक सिग्मा बना ही रहा है कार्बन कार्बन के साथ, और एक सिग्मा इसके साथ बना रहा है। तो इसका जो हाइब्रिड और बैटल हो जाएगा वह होगा 3, एंड नंबर ऑफ लोन पर बराबर 0, तो हाइब्रिड और बैटल बराबर 3। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वह होगा sp2। तो चलिए, इसमें हम आज सिर्फ लोन पेयर के बारे में नहीं बताया, कम ही बताएं कुछ, कितना ही को आप ध्यान से पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से पास कर पाएँ, निकाल पाएँ। तो चलिए, आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। पढ़िए, समझिए और भूलिए।